कमियों को बताना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, और कमियों के लिए हुकूमत से मुतालबा करना ये भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। लेकिन हमारे इख्तलाफ में, हमारे लड़ाई में भी अगर कोई चीज छुपी है तो रियासत की तरक्की है, रियासत के मुसलमानों की खुशहाली है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। इख्तलाफ होना चाहिए जरूर, लेकिन इख्तलाफ बराए तामीर होनी चाहिए। मतलब ये कि क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव, इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। आई हैव पॉइंटेड आउट मेनी थिंग्स, लेकिन ये भी जरूर कहूंगा कि तेलंगाना की तश्कील से लेकर आज तक जो लोग सवाल करते हैं कि मजलिस ने क्या किया और मजलिस के 5 या 7 एमएलए क्या कर सकते हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि बताओ कि किसी और रियासत में इतना काम हुआ जो काम यहां पर हुआ। आज अकलियतों का बजट 1000 करोड़ से जायद का बजट है अकलियतों। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ, ओवरसीज स्कॉलरशिप होनी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस के लिए सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए हमने मुतालिबा किया, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ होना चाहिए, हम उसको भी करेंगे। मजलिस क्या करी, टीआरएस क्या करी पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सेक्युलरिज्म का ढोंढोरा पीटने वालों से, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे हुक्मरानी कर रहे हैं हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में, मेरा उनसे सवाल है, क्या आपने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका दिया? नहीं है कहीं पर भी। लेकिन हमें फख्र होता है जब हम खड़े होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारी रियासत है तेलंगाना है जहां पे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका दिया गया। मजलिस ने क्या किया पूछते हैं। अरे जितने भी सरकारी तकरूरात के इम्तिहानात हैं उर्दू में हो रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब का एग्जाम उर्दू में हो रहा है, क्या किसी और रियासत में हो रहा है, क्या कहीं और हो रहा है? अरे हमने अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से नुमाइंदगी की, तो अनीसुल गुरबा की इमारत बन रही है, ठीक है स्लो होगा लेकिन बन नहीं रही है, क्या बताइए? जब जब जरूरत है क्या पैसा नहीं दिया जा रहा है? न सिर्फ पैसा बल्कि मैं कहूंगा रिकॉर्ड पर आकर के बाजू की जमीन के लिए भी मजलिस ने और मैंने जाकर सीएम साहब से कहा, तो केसीआर साहब ने कहा कि नहीं अकबर साहब, एक यतीम खाना है ना, इसको वहां पीडब्ल्यूडी की जमीन भी दे देते हैं, वो जमीन भी अलॉट की और यतीम खाने की तामीर भी। मजलिस ने क्या किया पूछते हैं।
अरे मंडलिस ने काम किया, टीआरएस का साथ क्यों दे रहे हैं, तो ये वजह है हम दे रहे हैं कि आज आप बताइए कि जामे निजामिया की ऑडिटोरियम की तामीर का ऐलान, जामे निजामिया की ऑडिटोरियम की तामीर मुकम्मल हो गई। न सिर्फ जामे निजामिया बल्कि मैं कहूंगा शंकरपल्ली के पास 10 एकड़ तेलंगाना इस्लामिक कल्चरल एंड ऑडिटोरियम के लिए 10 एकड़ जमीन दी। कितनी? 1 एकड़ कितनी नहीं है स्पीकर साहब। वहां पे शंकरपल्ली के पास अब जो ऑक्शन हुआ आपके सामने, करोड़ों रुपये के इमदाद के साथ, करोड़ों रुपये में है 1 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन दी गई। हाँ, ऑडिटोरियम बनना है, बनेगा, हमको यकीन है, आज ने कल होगा, काम शुरू होगा। कोविड की वजह से फाइनेंशियल एक इकोनॉमी जो स्लो डाउन हुई है, सारी दुनिया में हुई है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन आज मैं बताने पे मजबूर हूं क्योंकि लोग तनकीद करते हैं कि मजलिस सत्य आदल मुस्लिमीन क्या करी। मैं बताना चाहता हूं उर्दू के ताल्लुक से, जब हमने कहा कि उर्दू के दरखास्तें नहीं लिए जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त ऐलान किया कि 68 पोस्ट उर्दू के ट्रांसलेटर्स के, उर्दू के हम तफर्रुर करेंगे। और आज ऐवान असेंबली में उर्दू ट्रांसलेटर्स है, ऐवान काउंसिल में है, पूरे कलेक्ट्रेट्स में है, पूरे मिनिस्टर्स के पास उर्दू के मुतरजिम है, तर्जुमा लेने वाले दरखास्तों के 68 पोस्ट है। डिग्री कॉलेज के लिए हमने कहा, डिग्री कॉलेज के लिए तालीम के मैदान में हमने मुतालबा किया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने फलकनुमा कैंपस के लिए 20 करोड़ जारी किए। ठीक है, वहां काम शुरू होना है, हो जाएगा, हमको यकीन है। हमने डी रिजर्वेशन के लिए कहा, उर्दू पोस्ट के लिए, वो भी डी रिजर्व किया है, और होना है, जरूर है। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम हो चुके हैं, नहीं, होना है, लेकिन जो काम हुए हैं वो भी तो बताना जरूरी है ना, ये बताना जरूरी है कि ये काम हुआ। उर्दू के पोस्ट हुए, हमने मुतालबा किया चंचलगुड़े की कैंपस का, चंचलगुड़े के कैंपस को डिग्री कॉलेज मंजूरी दी। हमने मुतालबा किया गोलकुंडा के डिग्री कॉलेज के लिए, उसको मंजूरी दी। हमने मुतालबा किया कि बहादुरपुरा में भी एक जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज का कैंपस होना है, उसकी भी मंजूरी दी। हमने मुतालबा किया कि बाजारघाट में भी एक स्कूल का एक एरिया है, खुली जमीन है, वहां पर भी होना है, तो उसकी भी मंजूरी दी। हमारा मुतालबा था, हमने मुतालबा किया कि तालीम के मैदान के साथ रोजगार होना चाहिए, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ब्रांचेज होनी चाहिए। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में फंड्स नहीं थे तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन जितने भी वहां के एम्प्लॉइज थे, टीचर्स थे, उनको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में दिया। और वहां से आ रहा पीआई पास के बारे में हमने कहा वो भी लाएंगे। बोले सर, सबसे बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा कि किसी भी रियासत में नहीं है, मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी की, सियासी जिंदगी की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो ये है कि माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटी का हाउस में ऐलान किया चीफ मिनिस्टर साहब। क्या ये बड़ी कामयाबी नहीं है? ठीक है, उसमें कुछ काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आगाज तो हुआ है ना, आगे बढ़ेगा, मंजिल तक जाएगा वो काम। मजलिस ने मुतालबा किया कि आप अचलिकास को दे रहे हैं, आप इमामों और मौजनों को दीजिए, तो वो भी पैसे जारी हो रहे हैं। ठीक है, बाज मरतबा उसमें कुछ महीनों तक नहीं आता, लेकिन आ जाएगा। हमने मुतालबा किया था, आई वॉन्ट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट, हमने मुतालबा किया था कि शादी मुबारक को आप ग्रीन चैनल में लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको ग्रीन चैनल में लिया। आज क्या हम इस बात से इनकार करेंगे कि कितने बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल्स में हैं? रेजिडेंशियल स्कूल से होता हुआ रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज आया है, और मुझे उम्मीद है कि रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज के साथ साथ 5 रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज भी आएंगे जरूर, मुझे यकीन है। लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाना नहीं, हाँ, जो कमियां हैं हम बताते रहे हैं, बताते रहेंगे, हम लड़ेंगे केसीआर साहब से, इसलिए लड़ेंगे कि वो हमारे हैं, हम उनके लड़ेंगे, अपनों से लड़कर हम हासिल करेंगे, लड़ने में कोई बात नहीं, लेकिन किसके लिए? रियासत के लिए, रियासत के मुसलमानों के लिए, रियासत के वो पिछड़े हुए लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब से हमने मुतालबा किया
हमने मुतालबा किया कि आप दलित बंधु दे रहे हैं वैसा मुसलमानों को भी दीजिए। उन्होंने कहा कि सब्र कीजिए। हाँ, हम सब्र करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपने जो कहा है हम पे यकीन है कि आप जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए जितना भी सब्र हम करेंगे जरूर, लेकिन आएगा हमको मालूम।